धर्मशाला में 18 दिसंबर को होगी कैबिनेट बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी इसी दिन होगी, तैयारियां तेज। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 दिसंबर को लौटेंगे दुबई से, 18 को मंत्रिमंडल के साथ पहुंचेंगे धर्मशाला। राजेश धर्माणी यादवेंद्र गोमा के रूप में दो मंत्री भी रहेंगे इस बार विधानसभा सत्र में मौजूद। हिमाचल मंत्रिमंडल की आगामी बैठक 18 दिसंबर को धर्मशाला में करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी दुबई गए हैं और 17 दिसंबर को शिमला पहुंचेंगे। अगले दिन 18 दिसंबर को वह पूरी सरकार के साथ धर्मशाला पहुंच जाएंगे, क्योंकि 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन में शुरू होगा। 18 दिसंबर को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है और इस बैठक से पहले या बैठक के बाद कैबिनेट बैठक भी प्रस्तावित की जा रही है। धर्मशाला में होने वाली इस बैठक में कांगड़ा जिला से संबंधित कुछ फैसले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पहले ही कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा कर चुके हैं। बिलासपुर से राजेश धर्माणी और जिला कांगड़ा से यादवेंद्र गोमा के तौर पर अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री भी इस बार सत्र में होंगे। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे भी जा रहे हैं। शिक्षा विभाग से कुछ पॉलिसी मैटर कैबिनेट में आएंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों को भी कैबिनेट पारित करेगी। इसके अलावा कर्मचारियों की बात की जाए तो कर्मचारियों का 12,000 करोड़ अभी बकाया है। हिमाचल सरकार ने 1200 करोड़ लोन लेने का भी निर्णय लिया है। कहा जा रहा है कि हिमाचल सरकार द्वारा लिया गया लोन हिमाचल के विकास कार्यों के लिए लिया गया है। अब इस लोन से कर्मचारियों की अदायगी भी हो पाएगी, जिसमें उनका पेंडिंग डीए और एरियर है, क्या इसकी भी कुछ अदायगी हो पाएगी, ये तो कैबिनेट बैठक के बाद ही पता चल पाएगा।